गाइस बाइकर की हालत नॉर्थ पैरा यार, जूते तो नहीं चुराने चाहिए भाई, चुराओ यार। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो हम हो गए पूरे सेट, चश्मे लग गए, क्रीम पोट लिया, जैकेट वैकेट पहन लिया। तो बारिश यहाँ बंद है कोची में, आज तो गर्मी बहुत है, बारिश बंद हो जाती है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे नॉर्थ पैरापुर। जो नॉर्थ पैरापुर है वो कोची का ही पार्ट है, जो 18वीं सदी में जो वहाँ के राजा थे ना, उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक तो नॉर्थ पैरापुर बना दिया था, दूसरा त्रावणकोर बनाया था। C0 अभी 0 से 100 दिखाता हूँ। 88, 90, 93, 94, 98, 101, तो बढ़ती जा रही है, 105, 108, 22 लोग दिखा दिया ना 100। क्या मज़ा आ रहा है यार। अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ पैरापुर, बड़ा खतरनाक हो रखा है भाई, और ये राइड चालू हो चुकी है अपनी। और भाई अब आएगा भिड़ू मज़ा, आएगा मज़ा। अरे भाई तू रोज़ चल देता कहीं, कभी तो रुक जाया कर लड़के। और चलो तो आपको आज नॉर्थ पैरापुर दिखाते हैं। नॉर्थ पैरापुर कहाँ आता है? केरला में आता है, केरला में साउथ में है, कोझिकोड नहीं, वो क्या बोलते हैं सर, थ्रिशूर के पास, और हो सकता है थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हो, तो वो तो पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही मुँह उठा के चल दो गए आध बंद करके, तो कुछ तो भैया झेलना पड़ेगा ही। और अरे जा तो नॉर्थ पैरापुर रहे, पैरापुर रहे बढ़िया, रास्ते में क्या पड़ गया भाई, इधर नो पार्किंग लगा रखा है, लेकिन मैं तो रोकूंगा। तो चलो तुम्हें दिखा देता हूँ मैं बाइकर की करामा, तुम तो कभी आए हो या नहीं आए वो तो पता नहीं। ये आगे देखो, ये देखो मेरी उंगली की सीध में भाई, बैक वाटर्स। और ये है चाइनीज़ फिशिंग नेट, और वो भी चाइनीज़ फिशिंग नेट है, मतलब मछली पकड़ने की निंजा टेक्निक। ये चिड़िया उड़ रही है भाई, कैमरा नहीं है मेरे पास, देखो वो पोज लेके आ रहा है। उसके अलावा वो देखो, वो वहाँ पे भी आप आराम से उधर फोटोग्राफी कर सकते हो क्या? नहीं तो उसके लिए क्या चाहिएगा, 200-600 लेंस। और ये है, ये देखो ये यार, ये श्रृंगार करके आई हुई है, ये देखो काले हर के, ये नए जूते लिए, ये अल्पाइन स्टार के लिए। थोड़ा सा अभी तो अजीब सा लग रहा है इनसे चलाते वक्त, लेकिन आगे देखो। चल भाई चल, तो मेरे पीछे लगा रखिए बेटे, तुम्हारे बाप के हाथ ना आने वाला मैं। ऐसे क्या देख रहा है, उठा ले जाऊँगा। बेटे नंबर देखना चाह रहा है, चलो इससे गाड़ी में ही जल्दी जल्दी बात करूँगा। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं वो, क्योंकि मलयालम थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अलग है ना, तो उनमें प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी भी शब्द को जो बोला जाता है वो थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, थोड़ा यूज़ होता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी है। तो अभी मैं इसको वरापजा, VARAPAJH, वरापजा या वरापहा, कोई भी ब्रिज होगा ये, तो मेरे साथ वाले मुझे करेक्ट कर देंगे इसमें, इस केस में। ओह माय गॉड, अब यहाँ से जाना है हमें पुथनपल्ली जंक्शन। ओ भाई ब्यूटी देख रहे हो, राइट साइड में ब्यूटी देख रहे हो, लेफ्ट साइड में ब्यूटी देख रहे हो, ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखो राइट साइड में क्या ब्रिज है भाई, मेरा खड़ा होने का दिल कर रहा है भाई। ये बाइक थैंक यू, तुम ही लेके आती हो हमें। ये देखो राइट साइड में भाई, अरे यार इससे अच्छा बन जाता 360 क्यों लगा रखा है मैंने भाई। तू यार कुछ काम कर लेगा अपनी ज़िंदगी में? अच्छा नहीं करेगा, कर लेगा तो बता दे, नहीं करेगा तो बता दे। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ भाई देने। अभी ये हमारा चालू हो गया है, अब इसका क्या फ़ायदा, ये लो। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या नजर थी क्या जमाना था। एक हसीना थी एक दीवाना था, ला 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 ला। भाई बाइक लेके निकल तो लिया हम नॉर्थ पैरापुर के लिए, रास्ता समझ में ना आ रहा कहाँ टेढ़ा टेढ़ा लेके जा रहा है, मैं ना हाईवे से ही ले चलता भाई, तो यहीं लेके चलना है। तो अभी दिखा रहा है 21 किलोमीटर, ओके
चलो भैया, ये नाम तो हम सेंट जॉर्ज चर्च पुथुमपल्ली भैया जी के लिए भेज देंगे। ये कोई पुराना है जो अभी बंद हो चुका है, इसको रिनोवेशन की ज़रूरत है। ओके, ये दूसरी साइड में कर दिया है। ओके, तो आज हम जा रहे हैं एक और चर्च है आगे, हरियाली हरियाली है। आई होप आपको इतना, मेरे को जाने में मज़ा आ रहा है, इसमें आपको मज़ा आने वाला है। देख क्या स्कूटी खींची है, लगता है रास्ता अच्छा आने वाला है आगे। तो ये एक और छोटी छोटी गलियाँ हैं, कोई मेन हाईवे नहीं है, ये इसका नाम भी नहीं पता हमें। दच्चियाँ, कोई बात नहीं, दच्चियाँ इज पार्ट ऑफ राइडिंग। ये सब कुछ रहा, धान का खेत हो रखा है। ओके, तो ये देखो, ये केरला में धान की खेती हो रखी है। अब ये धान का नाम कौन सा है, हमारे गांव वाले सारे लड़के बता देंगे, पता नहीं ये कौन सा ब्रीड तो कोई और ही है भाई, मेरी भी समझ में ना आ रहा क्योंकि मुझे थोड़ी कम जानकारी है। चलो तो धान को कवर कर लिया। ये है तो दुकान है, लोग पास बैठे हुए हैं आराम से। ओके, यहाँ से लेना हमें लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट शायद धान की पौध उगाई जा रही है। पौध देखो, पौध यहाँ पर लोग धान की। और यहाँ की एक ही यार वो चीज़ है, अगर जो बारिश पड़ रही है तो बारिश पड़ रही है, लेकिन बारिश में आज चलाओगे तो थोड़ा मजा आएगा, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हो गई उसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अभी इतनी गर्मी लग रही है, बुरा हाल है बाइकर का, बाइकर का बुरा हाल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये रास्ता देखो क्या कुछ, आसमान बिल्कुल नीला है, मतलब क्लियर है, पॉल्यूशन कम है। तो अभी हम नॉर्थ पेरावूर तो पहुँच चुके हैं, लेकिन नॉर्थ पेरावूर में अब हमें जाना कहाँ है वो दिक्कत हो गई। तो बोल रहे हैं कि चले जाओ, चलो ठीक है, और लोग रह रहे हैं यहाँ से आने जाने का, तो बस तो नहीं चलती होगी यहाँ पर, बस तो थोड़ी दूर होगी शहर में होगी या मेन हाईवे पर, लेकिन हमारा पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। बड़ा ही मज़ेदार नज़ारा है, बड़ा ही खूबसूरत है। चलो तो भाई नॉर्थ पेरावूर में घूमें, और कुछ मैं आपको बाइक के बारे में बताऊँगा। अभी आगे थोड़ा रोकेंगे, थोड़ी सी दूर पर चल के रोकेंगे, फिर बात करेंगे। यहाँ पे कुछ 1.5 किलोमीटर पे दिखा रहा है कोई देखने लायक पॉइंट, चलो वहाँ पहुँचते हैं। भैया ये हाइट पे है ये भी थोड़ा बहुत। ओह माय गॉड, ये देखो चारों तरफ हरियाली है। ये कितने पेड़ हैं, अगर जो आपकी समझ में ये पेड़ आ रहे हो तो इन पेड़ों के बारे में कमेंट कर देना भैया। ये तो यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बना रखा है, रास्ता टूटा हुआ है। थोड़ी शांति ले लो, रेस्ट कर लो दो चार मिनट। तो अभी ये कोई तो जगह है भैया, लोकल जगह पे हम आ गए हैं। ये देखो ये खड़ी हुई है इसके साथ छेड़, ये देखो ये, आज मैंने ना इसमें पैनियर्स नहीं लगाए हैं बाइक पे, पैनियर भी नहीं है, टॉप बॉक्स भी नहीं है, एक छोटा सा ये लेके आया हूँ बस। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे मक्खन क्रीम, पैनियर्स लगा के थोड़ा सा, अबे चाबी ऑफ कर दिया कर भाई, बैलेंस इधर उधर डगमगाता है, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक वो होती है भाई, कुछ भी चीज़ होती है किसी को बैलेंस करने का एक पॉइंट होता है। अब जब आप उससे वेट मतलब बढ़ाओगे उस पर, नीचे बढ़ाओगे, तो मतलब जो उसका पॉइंट है नीचे खिसकेगा ज़मीन के पास, और ज़मीन के पास खिसकेगा, जैसे अभी ये है, अगर जब ये इसका ये वेट जैसे ये ले लो, ये ले लो। चलो आज मैं आपको ब्रीफ ही कर देता हूँ कि बाइक का बैलेंस क्यों ख़राब होता है। चलो ये अज्यूम ये एक बाइक है, ठीक है, तो बाइक का कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसको कंट्रोल करता होगा, जहाँ पे पूरी बाइक बैलेंस करती है। मान लिया मैंने यहाँ ले लिया, अज्यूम कर लिया, तो अब मैं यहाँ पे ये जो वेट ऐड किया, तो जो कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जैसे बैलेंस करने का जो पॉइंट होता है, जैसे मैंने ये वेट ऐड कर दिया, तो इसका भी तो कुछ वेट का जो बैलेंस होगा ना कहीं ना कहीं, तो ये इसका और उसका मिलकर थोड़ा उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो अगर जो ये बैलेंस वाला ऊपर शिफ्ट होगा, तो अगर जो सेंटर ऑफ पॉइंट जो उसका ऊपर शिफ्ट होगा, तो गाड़ी का मतलब ज़मीन से थोड़ी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो मतलब बैलेंस ख़राब ही होगा ना। और जैसे नीचे से निकाल दिया, चलो नीचे से निकाल दिया, नीचे से निकाल दिया तो और नीचे ज़मीन के पास जाएगा, ज़मीन के पास जाएगा तो स्टेबिलिटी सही होती है, लेकिन सेंटर से ही लेना है, ऐसा नहीं है कहीं लेफ़्ट राइट से ले लिया। तो ये मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया इसका।
अभी लोग बोलते हैं जैसे ये यहाँ पे ये है, ये नैरो पोर्शन क्यों बनाया जाता है, ये बाइक का नैरो पोर्शन इसलिए बनाया जाता है कि हवा को काटे और बाइक स्पीड से बढ़े। अब मैं यहाँ पे लगा दूँगा, जैसे मैंने बॉक्स लगा दिए, इधर बॉक्स लगा दिए, इधर बॉक्स लगा दिए, तो भाई वेट भी तो बढ़ रहा है। गाड़ी किससे बनाई जाती है, एक आदमी के लिए, दो आदमी के लिए, और आप उसको मतलब हवा काटने वाली चीज़ को, उसकी को जो एयर को काटता है, उसी चीज़ पर अगर पेनियर्स लगा दूंगा तो जो हवा यहाँ से आ रही है वो यहाँ पर आके टकराएगी कि नहीं टकराएगी, टकराएगी तो वो गाड़ी का बैलेंस इधर से उधर करेगी। ठीक है, ये देखो, ये दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर आ रही है हवा, टकरा रही है, हवा टकरा रही है तो वो गाड़ी को इधर से उधर कुछ तो करेगी ना भाई, बाइक ही है तो वेट बढ़ाने से नुकसान तो होता है भाई। आज मैं इसको बिना पेनियर्स वगैरह के लिए लेके आया हूँ नॉर्थ पेरापुर, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। आगे कुछ तो है, ये सिक्योरिटी भैया खड़े हुए और ये नए जूते डाले, नए जूते पहने तो मेरे को, और ये इसमें ये गुम्मा माउंट कर रखा है, और भाई गर्मी बहुत लग रही है। हाय ब्रदर, हाय, ऑल गुड। तो एक भैया हैं जो हमारी तरफ हाय कर रहे हैं। तो इसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक तो सब कुछ मलयालम में लिखा हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिटी की तरफ जाओगे तो दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मलयालम में लिखा हुआ है तो नहीं समझ में आ रहा। बाइक यार गंदी हो गई है, ये देखो, ये चैन भी पूरी सूख गई है। ऐसे क्या कर रहा है, हाथ मत लगा मेरे को, मतलब धुलवा के मेरी ग्रीसिंग ऑयलिंग करवा। ये देखो मिट्टी भी जम गई है ये। ओ ब्रदर अच्छे से धो दे मेरे को शोरूम पे ले जाके, ये मजाक मत कर मेरे साथ भाई। बाइक ने हाथ लगाने से मना कर दिया और नजर ना लग जाए इसीलिए हमने ये काला टीका लगा रखा है इसको, ये बड़ी। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, रॉयल इनफील्ड की ये बाइक बड़ी मज़ेदार है। चलो तो आगे सफ़र तय करते हैं, चलें भाई, रेडी है। पूरे पेरापुरी हम घूम रहे हैं तो कोची का ही पार्ट है, लेकिन भाई इधर वो तो जंगल जैसा दिखा रहा है। अभी यहाँ से राइट, अभी कोई टेंपल दिखा रहा है महादेव जी का, तो भाई सावन का महीना हो और बाइकर हो और अकेला घूम रहा हो तो टेंपल जाने में तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए भाई। तो नॉर्थ पेरापुर, ओके भाई, ये है ना, ये है रबड़ की खेती। तो अगर जो आपको पूछे कोई कि केरला में और किसकी खेती होती है सिर्फ नारियल के अलावा, तो यू कैन से रबड़ की खेती होती है। यहाँ से राइड दिखा रहा है यार, हम कहीं जंगल में तो नहीं जा रहे, कहीं गलत जगह, क्योंकि जितना धोखा आपको केरला की बारिश लालच देके और मैप दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। यहाँ तो कुछ रिपेयरिंग वेल्डिंग वेल्डिंग का भाई, कहाँ जा रहा है कि ओके, यहाँ कोई तेरे को मारे नहीं लड़के। भाई ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, गाय खाना खा रही हैं और हम चले जा रहे हैं। ये है कोई महादेव जी का टेंपल है, नाम आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखो ये किसी का घर बना हुआ है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हम ही अकेले आ गए हैं। यहाँ ये सही है हमारा ऐसे आना, लोग बाग नीचे घूम रहे हैं। हाँ क्या बोलते हो, सेफ होगा, सेफ ही होना चाहिए भाई। हाँ तो गए हम, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई, हमारे केरला में घूम रहे हैं हम ऐसे तो, बट ऐसी जगह आ गए हैं, कहाँ भजा रहा है, बाइक पर ध्यान दे ले। ओ हो कोई नहीं है, बिल्कुल लोकल एरिया है। ओके कहाँ जा रहा है, एक काफ़ी हैं, कहाँ उतार दी भाई तुमने गाड़ी, कहाँ ले जा रहे इसको, बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे हम यहाँ से आ गए हैं, ये तो कोई गांव आ गया, गांव का नाम नहीं पता यहाँ। ओके इसका नाम है ईरानी कुलम श्री महादेवा टेंपल, और हम अपनी बाइक से ले आए हैं घुमा फिरा के। ये टेंपल है क्या, ईरानी कुलम श्री महादेवा टेंपल है, टेंपल ओके आगे है, ईरानी कुलम श्री महादेवा टेंपल पहुँच गया। ये सब कुछ तो बंद है, एक गाय माता है इसमें, वो मेरी तरफ देख रही है, मारना मत।
भाई टेंपल काफी खूबसूरत है ये। ओह माय गॉड, काफी बड़ा महादेव जी का टेंपल है भैया। कोई नहीं है यहाँ पे। ओ ये पूरा बंद है। ओ गुम्बद, दरवाजे वरवाजे सब लॉक हो रखे हैं। आ तो गए फिर अब हम। अब भाई जय भोलेनाथ, मंदिर तो मैन वो है। चलो पहुँचेंगे वहाँ पे। ये देखो क्या स्पेशल बना रखा है, ऊपर देखो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये गौ माता है, अंदर कुछ सजाने का रखा हुआ है भाई, सजावट तगड़ी होती होगी इस पर। तो आप सभी को बताऊं, बीइंग ए बाइकर आज हम पहुंच चुके हैं इरानीकुलम। श्री इरानीकुलम में श्री महादेव जी का टेंपल है। ये देखो ये काफ़ी बड़ा टेंपल है यार, काफ़ी एरिया में है, गाय हैं, नंदी बने हुए हैं। और वो रथ चक्र का जो इनको मैं आज बताऊंगा वो क्यों मनाया जाता है, वो सेंटर में जो हम देखते हैं ना हम्पी में, जो बड़े बड़े ऐसे बनाए जाते हैं गुम्बद टाइप के छोटे छोटे, बीच में वो जो मार्किंग होती है ना, जो आजकल किसी भी चीज़ को मापने की, मैपिंग वगैरह करने की, इसलिए बनाए जाते हैं। तो हम इस टेंपल में पहुँच गया। इस टेंपल का मतलब काफ़ी बड़ा है लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, पूरा एकदम शांत है। तो ये जो इरानीकुलम शिवा टेंपल है ना महादेव जी का, आगे आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये जो, सबसे पहले तो इसकी शेप देखो कैसी गुम्बद जैसी बनाई है, और ये देखो कितना बड़ा बना हुआ है। वहाँ से एंट्री है, पूरे में घास है, एक गौ माता खड़ी हुई है। तो ये जो इतिहास का जो मतलब है, तो ये नॉर्थ परावूर में टेंपल काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो, ये देखो आगे वो जो मैं बता रहा था ना आपको, वो मैपिंग के लिए बनाया जाता है। इधर से एंट्री होगी, टिकट होगी। ये पीछे देखो, इधर देखो, कुछ कोई तो ये पूरा बंद कर रखा है। लेकिन यार जिस टाइम पे इसकी आराधना वराधना होगी, मतलब सजाया तो तगड़े से जाएगा। तो ये जो मंदिर है ये केरल के जो नॉर्थ पुरावूर में आता है, पेरावूर में, इसके बारे में माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके बारे में माना जाता है कि कम से कम 2000 साल पुराना मंदिर है। कितना? 2000 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा है। और इसे जो अपने महान थे ना परशुराम जी को स्थापित किया था। और मंदिर के जो निर्माण में देखो कैसी, मतलब अलग ही गुम्बद टाइप का, कितना खूबसूरत है यार ये, अलग ही एक विशेष वो यूज की वस्तुकला यूज की। तो दर्शकों को तो मेरे हिसाब से मन मुग्ध हो गया यार ये मंदिर में देख के, मतलब मेरा दिल, मतलब मन मुग्ध हो जाना, मतलब कैसे भी आपको क्या बोलूँ उसमें, मतलब दीवाना हो जाना। और जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो ये मैपिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है कि कहाँ से कितना कैसे कैसे डालना है, वो सब ये पॉइंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं जो लोगों को लगते हैं, ठीक है। तो इस मंदिर का जो मुख्य आकर्षण है ना, वो महा भोलेनाथ की शिवलिंग है। अब भोलेनाथ की शिवलिंग आपको कैसे पता लगेगी, ये तो पूरा बंद कर रखा है, द्वार चारों तरफ से, इसमें कोई देखने वाला नहीं है भैया, लेकिन शिवलिंग है। और चलो तो हम तो भोलेनाथ को हर हर महादेव यहीं से बोल देते हैं, अब बंद है तो हम कहाँ से जाएंगे। ये गौ माता घास खा रही। तो अभी आ गए, तो अभी मंदिर में भोलेनाथ के में आए तो धूप तो लगा ही लेते हैं। जय हो भोलेनाथ। तो भोले बाबा के दर्शन हो चुके हैं और इसके बाद अब कहीं दूसरे नॉर्थ पेरापुर घूमने आए हैं। बाइकर हैं भाई, तो बाइकर है तो कहीं तो चले। तो ये काफ़ी खूबसूरत टेंपल है यार, यहाँ पे मतलब जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होगा तो मज़ा तो बहुत आएगा भाई। और अभी वापस चलना चाहिए, गर्मी बहुत हो रही है। मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती, जिस दिन मैं चलता हूँ उस दिन गर्मी बढ़ जाती है यार। बाइकरें सेट होते हुए, भोलेनाथ के दर्शन हो गए, बोलो हर हर महादेव। अभी बाइकर उठ के चलेगा कहाँ, बीच रास्ते में कहीं कोई बोले मैनग्रोव आइलैंड है कुछ, तो देखते हुए चलेंगे। लेकिन बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है आज। मेरा मतलब शरीर दर्द कर रहा था यहाँ ना, लोअर बैक में ना स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर ने बोला थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट नहीं करने का, लेकिन थोड़ा घूमो, 10-15 दिन और चलाता हूँ, उसके बाद 2-3 महीने का कंप्लीट रेस्ट लेंगे। आई होप मज़ा आ रहा होगा ना आपको मेरी वीडियो में। अगर जब आ रहा है तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इन वीडियोज़ को।
बिना सूट के बाइक चलानी पड़ रही है। भाई केरला वालों ऐसा मत करो यार, गरीब आदमी हूँ बताओ, मैं कहाँ से जूते लेके आऊँ यार। पहली बार ही तो पहने थे, आज ही जूते पहने केरला में। पहली बार नए जूते थे, नए जूते देखो भाई करके भाई। अब ये है, ये देख रहे हो कंडीशन, ये कंडीशन आप मेरी देख रहे हो, ये मैं जूते चुरा लिए यार मेरे। ऐसा मत करो भाई, जूते चुराना सही नहीं है। एल्पाइन स्टार के थे, पहली बार पहने थे, मतलब आज ही पहली बार पहने मैंने और आज ही चोरी हो गए बताओ। अब यहाँ पे कोई दुकान भी नहीं है जूते बूते की, जो ख़रीद लूँ कुछ, ना खाने को मिल रहा है कुछ, ना जूते ख़रीदने को मिल रहा है कुछ। ये देख लो, जूते चुरा लिए भैया मेरे जूते, आज ही पहली बार पहने थे, एल्पाइन स्टार के थे, मतलब शायद किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है। कल मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, स्क्रीन रिपेयर करा के लाया था, आज जूते बाहर रखे, जूते लेके उड़ गया कोई। खाना पड़ गया नहीं, जैसे ब्रेक है वो ब्रेक पे पैर रखने में, और इसमें बड़ा ही मज़ेदार दृश्य है, बहुत ही मज़ेदार दृश्य है दोनों तरफ। ये देखो 360 से बनाया जा रहा है, बड़ा ही मज़ा आएगा, एक्सप्रेस करेंगे वे हो भाई रे भाई। ओह लेकिन भाई जूते हो गए, मलाल तो रहे भाई गरीब आदमी को। अब जूते कहाँ से लेके आऊँ मैं, और दिमाग से जूते ना उतर, कल ही तो परसों ही तो खरीदे थे भाई, पहली बार पहने हैं। ओह माय गॉड, आई टोल्ड यू ना कि 360 में वीडियो बन रही है। ये देखो, ये होता है इंस्टा 360 का कमाल। बाइक चल रही है, साइड की नदी देखो भाई, क्या खूबसूरती है यार। आगे देखो, अब राइट साइड में देखो, वाह मज़ा आ गया यार कसम से। मतलब जो जूते का पहने वो तो रहेगा, लेकिन सुकून बहुत आया यार कसम से, हंसी भी आ रही है। ये देखो ये क्या बनाया है। अभी देखो तो मैं एक अजीब गोले पे लेके जाता हूँ, ये सब इंस्टा 360 का कमाल है, देखो कैसा होता जा रहा है। उदास क्यों बैठा है तू? ये देखो गाइस बाइक कर की हालत। नॉर्थ पेराबोर घूम रहा था केरला में, जूते उतारे थे यार, जूते तो नहीं चुराने चाहिए भाई। अब 40 किलोमीटर तो चल गई बाइक, यहाँ ना ब्रेक लगा लगा के, क्योंकि सिंगल रूट है, दर्द हो रहा है बहुत। किस्मत ऐसी ख़राब चल रही है, कल ही पर्स। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये पता क्या है, जूते भी नए थे, पहले ही दिन पहने थे आज, पहला ही दिन था, मुहूर्त कर दिया उनका, ले गया कोई। दो दिन पहले मोबाइल रिपेयर करा के लाया, मोबाइल पॉकेट से निकल के गिर गया, तो लगाओ ऐसी किस्मत चल रही है, कभी मोबाइल गिर जाए टूट रहा है, कभी जूते। जूते तो मत चुराओ यार, वैसे तो मैं दुखी हो जाऊंगा भाई। आज से पहले मेरा केरला में कुछ भी गायब नहीं हुआ, मैं बाइक के ऊपर छोड़ गया, बाइक के ऊपर मिला, सीट के ऊपर छोड़ गया, उस सीट के ऊपर मिला, लेकिन पता नहीं आज कैसे हो गया। हो जाती हैं कहीं कहीं घटनाएं, क्योंकि मैं वो एरिया गांव वाला था, तो चलो कोई बात नहीं, बाइक करें भाई, दूसरे ले लेंगे। तो आज के बाइक ब्लॉग में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। भाई मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरे पास जूते नहीं है, इधर से हट जा, पता चला ट्रक वाले भी कहीं से चले गए। भाई किसी को अगर जो तरस आ रहा हो मेरे ऊपर, तो जूते बूते गिफ्ट कर देना यार, एक दो पेयर है ना, एक दो पेयर जूते बूते, ग्लव्स वगैरह जो भी अगर जो गिफ्ट करना चाहोगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही था। कोची से पेराबोर गए, पेराबोर से कोची आए, तो अप्रोक्स 80 किलोमीटर पड़ा, और भोलेनाथ के दर्शन किए, मंदिर बंद था, उसके बाद आए, फिर घूमे, फिर कहीं बैठा तो जूते चोरी हो गए, लोकेशन का नाम मैं डालूंगा नहीं। तो बड़ा मतलब थोड़ा दुख तो हुआ यार, क्योंकि नए जूते थे, अब मेरे पास है नहीं बताओ, नंगे पैर मैं बाइक चला रहा हूँ।
गियर भी ऐसा ही है इसका, पैर से ऊपर से डालना पड़ता है, तो तकलीफ़ तो हो रही है मेरे को। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर जो ब्लॉग पसंद आया है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यार। बहुत मेहनत चल रही है आजकल ब्लॉग के ऊपर, देखते हैं। चलो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो जल्दी आएगी।